संत तुकाराम हाई स्कूल सेंटर पर टीईटी की परीक्षा में माधुरी पढ़ने के दौरान नए तरीके से नकल करती पकड़ी गई। छात्र इस सेंटर के रूम नंबर 5 में परीक्षा देने वाली परीक्षार्थी के कान में ब्लूटूथ हिडन डिवाइस फिट थी। पूरी परीक्षा के दौरान हॉल में गुनगुन की हल्की आवाज पर्चा छुड़ाने के समय परीक्षार्थियों ने सुनी तो उन्हें शक हुआ और अब जब पेपर सबमिट करने का वक्त आया उस समय कुछ विद्यार्थियों ने छात्रा के कान में ब्लूटूथ डिवाइस देखा तो उन्हें इस बात पर आपत्ति उठाई, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने छात्रा को रस्टिकेट कर दिया। टीबी टोली इथे आज टीईटीचा पेपर होता आणि रूम नंबर 5 मध्ये एका मुलीने कानात चक्क ब्लूटूथ लावून पेपर सॉल्व केलेला आहे। इथल्या मॅनेजमेंटने कोणत्याही प्रकारची काळजी घेतलेली नाही आहे। उन लोगों ने डायरेक्ट एंट्री दी है, ना मेटल डिटेक्टर था यहाँ पे और ना ही फिजिकल चेकिंग की गई है। कई गर्ल्स के पास में पाउचेस थे, कैरी बैग्स थी, लेकिन मेरे ही रूम नंबर में एक लड़की थी, उसका नाम माधुरी पठाने समथिंग है, और उस लड़की के कान में ब्लूटूथ था और पूरे थ्रू आउट एग्जाम उसके कान में ब्लूटूथ चलते ही रहा है। अभी वो एक्सक्यूज दे रही है कि मेरा फ़ोन बंद था, बट ब्लूटूथ का रेंज और फ़ोन स्विच ऑफ था कि नहीं था इसका कोई प्रूफ नहीं, लेकिन उसके कान में ब्लूटूथ है ये सभी स्टूडेंट ने देखे। उसका नाम माधुरी पाठने है। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर के साथ हर्षद चूटे की रिपोर्ट।